ख्याल करें और देखिए ये यहाँ से इमली ने मूवमेंट ली गई उस तरफ और ये शिकू से ली बंदूक और यहाँ आ गई और ये कैमरामैन को पॉइंट आउट किया और बोला ये क्या कर रहे, हमारी घर की बात सारी दुनिया को दिखाएगा बिचारेगा, चल मिटाए दे मियां बीवी का झगड़ा, चल जल्दी कर नहीं तो कौन को भी पूछ ले, हमारा निशाना चुकता नहीं है। और देखिए वो लोग टेंशन में, चप्पू ने समझाने की कोशिश की कि अरे इमली पिस्तौल नीचे कर, ये क्या कर रही है, पागल हो गई का। तो देखिए इमोशनली बोला उसको, दीदी तू हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलना, हम का विवाह बाबू के साथ नहीं रह का है, बहुत हुई गा हमारे साथ रहकर तेरे सपने देखने का क्या मतलब है। और देखिए इमली ये यहाँ पे इन्होंने डिलीट मार दी वो चिप और ये इमली गई विवाह के पास, फिर से बोली तुम जैसे आदमी के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकते थे, बस बहुत हुई गवार जा रहे हैं हम, दिन में दीदी और रात में खर्राटा, हमारा जीवन तो नरक हुई गवा है। तो बोला इमली क्या कर रही है, विवाह ने बोला जाओ जाओ तुम्हारे जाने की परवाह किसको है, रहेंगे हम अकेले। और देखिए गुस्से में इमली गई उस तरफ और ये विवाह भी इस तरफ गया, ये चक्को दोनों को चिल्ला रही है और देखिए ये डायरेक्टर कंफ्यूज, डायरेक्टर ये आप किस पर कहानी बनाने आई थी, किस पर बना रही है, अरे छोड़िए विवान इमली को कौन जानता है इन्हें, चकोर और सूरज पर ध्यान दें आप। इतने में चकोर ने बोला कि नहीं आज के लिए बहुत हुआ डायरेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए मगर हम आगे आपको इंटरव्यू नहीं ले सकते, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बहन और उसके पति में झगड़ा हो रहा है तो हमारा मूड खराब हो चुका है, चिंता की लकीरें हमारे चेहरे पर दिखाई देंगी, इसलिए फिर कभी रख लेते हैं। बोला जी जी हाँ जी हाँ मैं समझती हूँ, हम फिर किसी दिन फोन करके आएंगे। और ये चप्पू जाने लगी और इसने देखिए सूरज जो उसका हाथ पकड़ा, बोला विवाह और इमली को समझा के वापस जाना बहुत जरूरी है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, अपने छोटे से परिवार की खुशी तो हमारे खुशी है, हमारा फर्ज है उन दोनों की सुरक्षा को दूर करना। देखिए हाथ।